एंड फेरा। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट है। व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि बच्चे इसमें से ना आपके रिलेटेड टू वन और टू क्वेश्चंस डेफिनेटली हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसको इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। तो देखिए बच्चे, आज के जो हम सेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमा एंड फेरा एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंट बिटवीन दीज टू, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेमा। तो व्हाट इज अ फेमा एंड व्हाट इज अ फेरा? देखो बच्चे, सबसे पहले अगर हम फेमा एंड फेरा को जस्ट मैं ओवरव्यू कर देती हूँ, तो सबसे पहले हमारा क्या आया था? फेरा आया था। आफ्टर दैट फेरा को रिप्लेस करके हमने फेमा बना लिया था, ठीक है जी। तो इसी के लिए हम इसको एक कंसीडर कर लेते हैं कि फेरा एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये हमारे एक इंटरनेशनल बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंटरनेशनल बिजनेस हमें क्या करता है, जब भी हमने कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन करनी होती हैं, हम किसी अनदर कंट्री के साथ कोई ट्रेड कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो भी आपको रेगुलेशंस फॉलो करने थे, उसके लिए हमें ये फेरा बनाना पड़ा था। तो तभी इसी का नाम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरा। तो ये आपकी फुल फॉर्म बन जाती है। यस, वेरी गुड, प्रियंका ने बहुत दोनों की फुल फॉर्म बता दी है। इट मींस आपको फुल फॉर्म के अच्छे क्लियर हैं। तो देखिए, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1973 को इंट्रोड्यूस्ड करा गया था। द एक्ट केम इनटू फोर्स टू रेगुलेट। ये एक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारा जो फॉरेन करेंसी का या फॉरेन पेमेंट या सिक्योरिटीज का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, उसके देखना कि कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना हमारा आउटफ्लो चेक करने के लिए ये कुछ एक्ट बनाया गया था। तो फेरा वॉज प्रोमुलेटेड इन इंडिया एट अ टाइम। ये इंडिया में कब हमने इसको लाया गया? जब वेन इट डज नॉट हैव गुड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व, जब हमारे इंडिया के पास अच्छा एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, एंड दैट टाइम वी विल कम विद अ फेरा। इट एम्स, इसका एम क्या था कि फॉरेन करेंसी को एंड इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हमारी इकोनॉमी में क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। सिंपल सा बात थी, जब हम बीओपी पे हमारा क्या चल रहा था, डेफिशिट चल रहा था, हमारे पास रिजर्व्स नहीं थे फॉरेन करेंसी के, हमारा यहाँ से तो पैसा बहुत जा रहा था बट वहां से पैसा इंडिया में आ नहीं रहा था, इसीलिए हमें फेरा को प्रमोलेट करना पड़ा था। क्लियर होगी बच्चे बात? तो ये सिंपल था, आपका फेरा था। अब फेरा को रिप्लेस करके हमने क्या लाया जी? फेमा लाया गया। तो व्हाई हम फेमा को क्यों रिप्लेस करा गया, वो आने वाली स्लाइड्स में आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो वेरी गुड इवनिंग नेहा, हेलो पूजा, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होगी, विदाउट एनी आपकी डिस्टर्बेंस के बिना, ठीक है जी। ओके, नाउ अगर हम फेमा के बारे में डिस्कस करते हैं, कहते एक बजट पास हुआ था 1997 और 98 में। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज करा कि जो हमने फेरा को 1973 में एक्ट पास करा है, उसके रिप्लेस पे हम क्या लेके आते हैं? फेमा लेके आते हैं। फेमा इज अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इट मींस क्या हुआ बच्चे, कि जब हम फेरा पे थे, फेरा तो रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहा था, और व्हेन वी टॉक अबाउट अ फेमा, फेमा इज टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, कि जो हम फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज करें, उनके प्रॉपर प्लानिंग के बारे में, उसके बारे में इसने बात करी है। तो ये भी एक मोडिफाइड एंड वर्जन है, लिबरलाइज्ड वर्जन है, किसका? फेरा का। कि फेरा में बहुत ज्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट करा गया था, प्रॉपर आपको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ रहा था, तो उसी को हमने थोड़ा सा लिबरलाइज्ड करके क्या लाए हैं? फेमा लाए हैं। क्लियर जी? तो जी जो फेमा है, ये आफ्टर द एलपीजी, जब आपका क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद ही हमने फेमा को यहाँ पे कंसीडर कर लिया था, ठीक है बच्चे। तो व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द फेमा, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चे, फेमा ये बेसिकली इट इज कंसिस्टेंट विद, ये किसके साथ कंसिस्टेंट है, कि जो हमारा टिल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं,
उसके लिए बात कर रहा है। इट मीन्स कि बच्चे जब हम एक बीओपी बनाते हैं, बीओपी इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम एक प्रॉपर लिखते हैं कि कितना हमारा इंडिया से पैसा गया है या आया है, कौन सी कितना ट्रेड करा है, कितनी सर्विसेज का हमने ट्रेड करा है, उसके बारे में है। तो बीओपी कहते हैं जी मेरे पास एक तो करंट आप एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, एक कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। तो उसने यही बोला है कि ये वो अकाउंट है जहां पे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड उसके रिलेटेड प्रोविजंस दी गई हैं, और जितने भी आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मेंटेन कर रहे हो उसको थोड़ा सा लिबरलाइज्ड कर दिया गया है कि आप जो भी पैसों का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उस पर आपको ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है जी। तो फेमा एक ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रख रहा था, उसने हर एक स्पेसिफिक परमिशन जो आपने करनी है उसने आरबीआई से ऑलरेडी रख रखी थी परमिशन के लिए। तो जो भी आपने फॉरेन एक्सचेंज को एक्वाइज करना है या होल्ड करना है उसके रिगार्डिंग फेमा कहता है जी आपको आरबीआई से परमिशन लेनी जरूरी है, तभी वो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि हर चीज क्लियर होगी, आपके सामने होगी, कोई भी आपसे छुपाई नहीं जाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छुपाई गई तो इस केस में आप कुछ घपला नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो दैट इज अ मेन व्हाट इज अ फेमा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट फीचर जब हम बात करते हैं, कहते हैं जब हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस करते हैं, फेमा कहता है कि जब भी आपने कोई ट्रांजेक्शंस करनी है हम दो बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। ऑब्वियसली जैसे बीओपी बनाते हैं, वन इज अ कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट इज अ करंट अकाउंट, कि हम कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन, बच्चे कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन क्या होता है, जब हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। और जो हमारा ये वाला पार्ट है करंट, करंट में हम बात करते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। ठीक है जी, कितनी गुड्स हमने इंपोर्ट करी है और कितनी गुड्स हमने एक्सपोर्ट करी हैं। जब हम गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज कंसीडर्ड इन द करंट अकाउंट। अदरवाइज जब हम पैसों के बारे में कि कितना हमने बाहरली कंट्री में जाके इन्वेस्ट करा है, उन्होंने इधर आके कितना इन्वेस्ट करा है, वो हमारे कैपिटल नेचर बन जाती है। तो क्या कहते हैं कि आपका जो फेमा है वो कहते हैं जी हम इसको दो वेज में कैटेगराइज करेंगे जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स पावर टू रिजर्व बैंक, उसने ये कहता है कि हमारे आरबीआई के पास हमने क्या कर ली है, कुछ पावर दी है कि विद द सेंट्रल बैंक के कंसल्ट से जो भी कैपिटल ट्रांजेक्शन करनी है, कुछ एक्सचेंज हम एडमिसिबल रखेंगे कि इतनी लिमिट तक ही आप बाहर की कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर बाहर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप इतनी लिमिट तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर होगी बच्चे बात। ठीक है जी, तो साथ साथ मुझे कंफर्मेशन जरूर देते जाइएगा कि आपको ये सब चीजें साथ साथ क्लियर हो रही है या फिर कोई आपको डाउट आ रहा है। ओके, पूजा का एक क्वेश्चन डाउट आ रहा है कि आरपीएस की एग्जाम के लिए कॉमर्स वाले किसमें फिल करेंगे। देखो आरपीएस एग्जाम के लिए आप ऑब्वियसली अपना या तो कॉमर्स वाला पार्ट रखिएगा और या फिर अपना जो मैनेजमेंट क्रेडिट आप उसमें डेफिनेटली फिल कर सकते हो। ठीक है जी। ओके, नया करंट कैपिटल ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, यस ये एक आपका एक अलग अपना ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है। हेलो ज्योति, वेरी गुड इवनिंग कौशिक, लॉन्ग टाइम यू आप दिखाई नहीं देते हो, बहुत कम दिखाई देते हो। ओके, तो देखिए बच्चे ये तो आपका बेसिक आपका आउटलाइन उसका हो गया है फेमा एंड फेरा का एंड व्हाट आर द बेसिक फीचर्स क्या थे। अगर हम फेमा के डिफरेंस से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाह रही हूँ कि इस सैटरडे संडे हम ग्रेडअप की पूरी टीम आपके लिए एक वेबिनार लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिचे। तो डोंट मिस दैट वेबिनार, दैट वेबिनार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे हमारे ग्रेडअप के साथ हैं, जो अपने करियर के लिए अपना पाथ ढूंढ रहे हैं, यूजीसी नेट में जाना चाह रहे हैं। देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजीसी नेट एंड सेट में क्या डिफरेंस है, हाउ टू आपके टैकल कट ऑफ को कैसे हम टैकल
कट ऑफ कर सकते हैं, आपको गेस कैसे लगाने हैं, JRF के बाद आपको कैसे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो इन सब के बारे में हम होल डिस्कशन करेंगे अपकमिंग जो हमारा वेबिनार आ रहा है। तो बच्चे डोंट मिस दैट सेशन, जितने भी हमारे वेबिनार्स हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको इस वेबिनार में दी जाएगी। तो मेक श्योर कि आप सैटरडे संडे आप हमारे ग्रेडअप के साथ ही रहोगे, आप अपनी जो भी फर्दर कहीं आना है जाना है तो आप मिस करके आप हमारा ये वेबिनार जरूर अटेंड करेगा, जिसपे आपको बहुत अच्छी और आपको एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आप सब इस वेबिनार के लिए अपना एक टाइम निकालोगे और आपकी जो अटेंडेंस है कि आप वेबिनार के लिए आने वाले हो, तो उसके लिए मुझे आज ही देनी पड़ेगी अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करके कि यस वी आर प्रेजेंट इन दिस वेबिनार। और आपके जो सेमिनार्स हैं, जब आपकी देखो हाउ अबाउट द UGC नेट एग्जाम 2021 में कैसा होने वाला है, पॉसिबल JRF क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप क्लियर कर सकते हो, तो JRF रिवॉर्ड्स कितने तक के दिए जा रहे हैं, आपको गेस कैसे लगाना है जब आप पेपर दे रहे हो, एंड व्हाई वन शुड गो फॉर अ सेट एग्जाम, हमें सेट एग्जाम के लिए क्यों जाना चाहिए, एंड नो ऑल अबाउट द स्टडी रिसोर्सेज कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो रियली स्टडी मटीरियल्स एंड गाइडेंस जो आपको दी जाएगी बाय द दीज एक्सपर्टीज के साथ। ठीक है जी, तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। हाँ जी, क्लियर होगी बच्चे बात? तो ये वेबिनार जो अटेंड करने वाले हैं मुझे जल्दी से बता दीजिए कि यस हम डेफिनेटली इस वेबिनार को अटेंड जरूर करेंगे। ओके, सागर से नेट कमर्स का रिजल्ट, देखियो नेट कमर्स का रिजल्ट होप्स हो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रखिए। ठीक है जी, ओके अब देखिए बच्चे, बिफोर यस गुरप्रीत का कॉल, यस बड़ा सा यस आ गया है। यस कौशिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होता है कि हम कल को कहाँ जाने वाले हैं, क्या नहीं है, आपका JRF आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, नेट कितना इम्पॉर्टेंट है, सेट कितना इम्पॉर्टेंट है, तो हर एक इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट आपको दी जाएगी। ठीक है जी, तो बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलती रहेंगी आपको हमारे साथ, अब आप सेशंस में लगातार आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ओके यस डेफिनेटली, तो अगर डेफिनेटली अटेंड है तो ऑब्वियसली आपने लाइक भी जरूर कर दिया होगा। ओके, तो नाउ वी विल शिफ्ट इन द डिफरेंस बिटवीन द फेमा एंड फेरा। ठीक है जी, तो देखिए बच्चे, अगर हम फेमा एंड फेरा के डिफरेंशिएट के बारे में बात करते हैं, फेरा कहता है जी ये पार्लियामेंट में मैं अप्रूव्ड हुआ था 1973 को, मतलब मेरा जो एक्ट आया था वो कब आया था, 1973 को। फेमा कहता है जी मुझे पार्लियामेंट में पास करा गया था 1999 को। ठीक है जी, तो फेरा इट वाज इंप्लीमेंटेड टू रेगुलेट द फॉरेन पेमेंट्स एंड टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया। कहते ये इसलिए इम्प्लीमेंट करा गया था कि जितने भी हम फॉरेन पेमेंट्स कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में रेगुलेट कर सके एंड उस फॉरेन करेंसी को हम ऑप्टिमम यूज कर सके। ठीक है जी, इंडिया में ही। यस, तो फेमा कहता है इट एम्स टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, ये कहता है कि मैंने फॉरेन ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, जितनी भी फॉरेन पेमेंट्स है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करनी है, ताकि जितना हमारा साइज बड़ा होगा, हम अपना फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा करेंगे, उतना ही हमारे पास एक रिजर्व एक हमारी कंट्री में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली ये प्रमोट के बारे में बात करता है और ये रेगुलेट के बारे में बात करता है कि किस किस वे में हमने फॉरेन पेमेंट्स करनी है। क्लियर जी, आफ्टर दैट जो फेरा कहते हैं कि ओनली सिटीजनशिप वॉज अ क्राइटेरिया टू कंक्लूड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, बताइए मैं इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगी, ये वाई दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो फेरा कहता है
आपने अगर टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि सिटीजनशिप मिलती है ना, कि आप जाते हो बाहर, आउट ऑफ कंट्री जाते हो, आप वहां की सिटीजनशिप के लिए वहां पे जॉब कर रहे हो, इंडिया में नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको वहां पे कुछ मिनिमम पीरियड के लिए वहां रहना जरूरी हो जाता है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो फेरा कहता है कि जो सिटीजन का क्राइटेरिया है, जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन अगर उसका सिटीजनशिप है, मैं सिर्फ उसी पे ही एप्लीकेबल हूँ। बट जब ये फेमा आया, फेमा कहता है जी वो पर्सन जो इंडिया में लास्ट 6 मंथ से यहाँ पे रह रहा है उसको मैं इंडियन कंसिडर करूंगा, तो मैं उस पे एप्लीकेबल हो जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे जो क्राइम है इज कैप्ट इन अ क्रिमिनल ऑफेंस कैटेगरी। कहते फेरा एक्ट के अंदर एक कैटेगरी थी क्रिमिनल ऑफेंस कैटेगरी। कहते अगर कोई भी क्राइम होता है अपराध को, तो हम क्रिमिनल ऑफेंस कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते थे। बट फेमा कहता है जी कोई भी ये क्राइम हो रहा है, मैं उसको सिविल ऑफेंस कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है जी, तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस है जो आपने ध्यान में रखना है। अंडर अ फेरा द क्राइम वाज कैप्ट इन द क्रिमिनल ऑफेंस कैटेगरी, एंड इन द फेमा द क्राइम वाज कैप्ट इन द सिविल ऑफेंस कैटेगरी। ठीक है जी, अपराध को आपराधिक अपराध की श्रेणी में रखा गया था। आफ्टर दैट इफ एनी वन फाउंड गिल्टी ऑफ द फेरा वायोलेशन, अगर कोई भी फेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट नहीं करता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दी जाती है वो डायरेक्टली आपको पनिश कर देते हैं, जिन्होंने अपने फेरा को वायलेट करा, जिसने उसे रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट नहीं करा है। ठीक है, कहते ये आपको इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे? कि पहले तो आपको फाइन या इम्प्रिजनमेंट करते हैं। पहले मतलब आपको फाइन लगाएंगे, अगर आपने लिमिटेड पीरियड ऑफ में फाइन नहीं दिया है, देन आपके रिलेटेड कोई स्ट्रिक्टली एक्शन ले लेते हैं। मतलब डायरेक्टली आपको पनिश नहीं करेंगे कि हाँ जी आ जाओ जेल में, वो इम्प्रिजनमेंट करेंगे जरूर, बट तब करेंगे जब आपने पहले कुछ विद इन द 90 डेज में उसकी पेनल्टी चार्ज नहीं करी है। ये फेमा ने अपने अंदर जो एक्ट बनाया है उसके अंदर मेंशन करा गया है कि हम इतना आपको क्या करेंगे, फाइन चार्ज करेंगे, तो अगर आपने वो पेनल्टी चार्ज करी नहीं है विद इन द 90 डेज, देन आपको वो इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, बट ये आपको डायरेक्टली वहां पे नहीं शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पार्ट इज द अक्यूज्ड वाज कंसीडर्ड गिल्टी एज सून एज द लॉ सूट वाज फाइल्ड एंड ही हैड टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। ठीक है जी, मतलब क्या है कि अगर कोई आपको कोई मुकदमा जो आप पे दायर करता है, कि जो आपको एक्यूज्ड करता है, उसी के साथ जो गिल्टी वाला है उसको प्रूफ करना होता है जी मैं इनोसेंट हूं। ठीक है जी, मतलब मुकदमा दायर होने के साथ ही आरोपी को दोषी माना लिया जाता है, क्योंकि उसको ये प्रूफ करना होता है जी भाई मैं इनोसेंट हूं। बट फेमा कहता है कि जो मुकदमे दायर है, जो अक्यूज्ड है, वो किसी के लिए लायबल नहीं होगा कि वो प्रूफ करे अपनी इनोसेंटी, बल्कि जो उसका बर्डन है वो फेमा के ऑफिसर पे चला जाता है कि कोई बात नहीं, अगर इसके कुछ गलती हुई है, फेमा ऑफिसर कहते हैं जी हम प्रूफ करेंगे कि ये बंदा इनोसेंट है, उस खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपने कोई गलती करी है, फेरा कहते हैं जी आप खुद प्रूफ करिए कि आप इनोसेंट हो, आपने ये गलती नहीं करी है, जब कुछ भी आपने मुकदमा किसी ने आपके ऊपर दायर करा है। फेमा कहता है कि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है जी, हमारे ऑफिसर इस चीज को प्रूफ करेंगे, आपको इनोसेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, तो पर्सन हैज टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ आरबीआई कि विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस। कहते यहाँ पे अगर किसी पर्सन ने कोई भी ट्रांसफर करने हैं किसी फंड्स को, तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी जरूरी थी। यहाँ कहते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि फेमा ने ऑलरेडी आरबीआई से प्री परमिशन ले ली है कि हाँ जी जो हमारे अंदर होंगी रूल्स एंड रेगुलेशंस के वो आप अलाउ करोगे, तो आरबीआई कहता है ठीक है। तो फेमा एक्ट के अंदर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो विदाउट आरबीआई के अप्रूवल है वो ऑटोमेटिक फेमा वालों ने ले ली है, बट फेरा के लिए आपको डायरेक्टली आरबीआई से अप्रूवल लेनी जरूरी थी। क्लियर होगी बच्चे बात? ठीक है जी, तो जल्दी से बता दीजिए कि ये आपको डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। यही था आज का आपका एक मेन सेशन जिसमें हम बात करने वाले थे फेमा एंड फेरा के बारे में। तो इसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं
वो क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के क्विज में मिलेंगे. कुछ सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेमा और फेरा के हैं और सम ऑफ द क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस के हैं. बट इन टूडेज सेशन मैं आपसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछूंगी आपको चेक करने के लिए कि आपको ओवरऑल अगर हम फेमा और फेरा के बारे में बात करते हैं तो आपको ओवरऑल क्या समझ में आया है. तो जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर. यस, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. कब कब मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं ये आपने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बहुत बार पढ़ा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसी के बेसिस पे आपने इसका करेक्ट आंसर करना है. सागर सर, फेरा का फुल फॉर्म क्या है? बच्चे फेरा का फुल फॉर्म इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फेमा दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है. हाँ जी, इसका आंसर अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया है. मुझे लगता है कि आप थोड़े बहुत इसमें कंफ्यूज होंगे, बट कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है. सिंपल आपसे पूछा गया है, जस्ट अपने एक मैं कहती हूँ 10% अपना अपना दिमाग यूज करना है, नथिंग एल्स. यस, नेहा गेव अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड नेहा. तृप्ति ऑल्सो गेव अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड तृप्ति. हाँ जी, ओके. प्रियंका, थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़िएगा बच्चे. ओके, तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस हैं इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. कहते अमंग रेजिडेंट्स ऑफ द सेम कंट्री, कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया कंट्री के आपस में कोई फॉरेन एक्सचेंज होगा? नहीं होगा ना. बिटवीन द रेजिडेंट्स, क्या सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अगर दो कंट्री के बिटवीन ही हो सकती है? सी कहते हैं जी, बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ टू और मोर कंट्रीज. ऑब्वियसली भाई, हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, दो से ज्यादा मोर कंट्रीज भी होती हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में अगर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करनी है, इट मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी है इन द मॉनेटरी टर्म्स में है, तो आपका डेफिनेटली क्या आएगा जी? सी ऑप्शन आएगा, बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ टू और मोर कंट्रीज. क्लियर होगी बच्चे बात? ठीक है जी. कंफ्यूज था ना? यस, थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, बट ये कंफ्यूजन क्वेश्चंस ही आपके लिए जरूरी है, तभी आपका कंसेप्ट और बेटर वे में क्लियर होगा. ठीक है जी. तो बाकी अगर आपको कुछ और एमसीक्यूज चाहिए हैं, डेली बेसिस पे हमारे जो एमसीक्यूज हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए. दैट इज अ कॉमर्स UGC NET by Konika and Saurabh. ठीक है जी, आप उस पे विजिट करिएगा और डेली बेसिस पे क्विज उस पे हो रहे हैं, आप उसको अटेंड करिएगा और उस क्विज का जो फीडबैक है डायरेक्टली आई रिसीव दैट फीडबैक. तो मुझे आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा वीक आ रही हैं, कि अगर डेली बेसिस पे अगर मैं विनर्स भी अनाउंस करती हूँ ना, तो किसी के स्कोर ऐसे नहीं है कि वो विनर हो. अटेंड जरूर कर रहे हो आप क्विज को, बट आपके जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे आउटपुट उतनी नहीं मिल रही है जितना मैं आपसे चाहती हूँ. तो बच्चे मेक श्योर कि आप जो क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, एक अपना ये सोच के प्रिपेयर करेगा, दैट इज योर फाइनल एग्जाम है. सोच समझ के टाइम लेके उसको क्विज को सॉल्व करिएगा. नो डाउट कि पेपर में आपके पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, बट एक क्विज के थ्रू हम एक एक्यूरेसी मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपके पेपर में एक्यूरेसी ना आए. एक्यूरेसी इज अ मस्ट फॉर अ जेड. ठीक है बच्चे, तो मेक श्योर कि आप उस क्विज को जरूर सॉल्व करिएगा और जो भी उसके डाउट्स आते हैं आप डेफिनेटली पूछेगा, जो भी आपके सजेशंस हैं आप डेफिनेटली मुझे उसके जरूर सजेशन दीजिएगा. क्लियर होगी बच्चे बात? ठीक है जी. तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो.
कोई भी आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू आस्क मी. ओके, तो आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है. ठीक है जी, तो आने वाले जो सेशन में मैं आपसे फिर से बोलूंगी कि आप मुझे सजेशंस एंड फीडबैक पे जाके अपने, आपको एक लिंक प्रोवाइड करा गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस सजेशंस पे जाके आप मुझे फीडबैक दीजिए कि मैम वी वांट दिस टॉपिक, सो दैट कि हम उसी टॉपिक को टारगेट करके आगे फर्दर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है जी, ओके. कॉमर्स की क्लास डेली कब से होती है? देखो तृप्ति, जो हमारी कॉमर्स की जो डेली सेशन है 6:30 होते हैं. ठीक है जी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आई विल टेक द सेशन, एंड द रेस्ट ऑफ द डे सौरभ सर आपका सेशन लेते हैं इनकम टैक्स अकाउंट्स रिलेटेड. ठीक है जी, ओके. तो बच्चे अभी हम जो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. हम इसके प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे जिस बेस्ड पे आजकल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है जी, लक्ष्मी से यू सजेस्ट मी कितना टाइम देना होगा स्टडी में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मी आपने. मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप अपने डेली बेसिस पे टिल एग्जाम तक, अगर आप अभी 3 आवर्स से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, इन द एंड आपको कम से कम 12 आवर्स तक रीच करना है. ठीक है जी, तो मैं क्या कहती हूँ कि टिल एग्जाम तक एकदम से ये नहीं करना है कि आज ही 12 घंटे से पढ़ना शुरू करो. दैट इज नॉट अ पॉसिबल, है ना. हमारे एक बॉडी को भी टाइम लगता है कि अडेप्ट करने में कि आप कितने आवर्स सीटिंग दे रहे हो, कितने आवर नहीं दे रहे हो. तो आई रिकमेंड कि आप 1-1 वीक लेके चलिए कि इस वीक आपने क्या पढ़ा, 3-4 आवर्स स्टडी करी. नेक्स्ट वीक आप 4-5 आवर्स करिए. नेक्स्ट वीक 5-6 आवर्स करिए. तो ऐसे करके वीक वीक में अपने आवर्स बढ़ाते जाइए. ये आवर बढ़ाना में ये मत सोचना कि जितना काम मैम ने दिया था, जितनी काम ने करना था उतना हो गया है, बस 2 घंटे में हो गया, अब हमने नहीं करना है. यही आपकी गलती है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हम इसी हैबिट पे रहे हैं. पर वो पेपर आपके क्या थे, सब्जेक्टिव थे. बट अब हम एक ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने जो इन पे टाइम देना है उतना दीजिए कि अगर 3-4 है, जितना पार्ट आपने पढ़ना था पढ़ लिया, उसके रिलेटेड MCQs करिए और लास्ट वीक का रिवाइज करिए. ठीक है जी, रिविजन इज अ मस्ट. तो मेक श्योर कि आप अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं रखना कि 5-6 हमने उठना है, कि 5 बजे हम वेकअप, 6 o'clock हमने पढ़ना है, ये करना है. वो वाले टाइम टेबल्स आपने अडॉप्ट नहीं करने हैं. आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए डेली वाला, कि एक दिन में, लाइक टुडे इज 25th of November, 26th को हमने ये वाला प्रॉपर टॉपिक जो मैम ने पढ़ाया, हमने पूरा टॉपिक IB रिवाइज करना है. या फिर हम बोल लीजिए कि आपने पेपर 2 की जो प्रिपरेशन करी स्टार्ट करी है, तो मार्केटिंग में आज मैंने ये 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, कल को मैंने ये 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, साथ ही में मैंने जो पिछला टॉपिक पढ़ा उसको रिवाइज करना है. और डेली आपने कम से कम 50 MCQs जरूर सॉल्व करने हैं. या आपका टारगेट बना लीजिए कि सोने से पहले अपने आप से पूछिए कि आज मैंने 50 MCQs सॉल्व करे हैं. ठीक है जी, तो ये आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए. इसी बेसिस पे आपका डेफिनेटली एक ग्रंटर कि आपका नेट जरूर क्लियर होगा. ठीक है बच्चे, हाँ जी. स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आल्सो आस्क मी. वी नीड टू रजिस्टर फॉर वेबिनार फ्रॉम वेयर मैम. आपको इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है. आपको YT में ही, आपको इसका, या जो हमारे ग्रेड अप स्टूडियो पे है, दोनों पे ही आपको ऐसे ही अवेलेबल होगा जैसे हम क्लासेस अरेंज आपके अभी मुझे सुन रहे हो. तो आपके लिए विदाउट एनी फी आपको वो हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो कोई रजिस्ट्रेशन इसके लिए जरूरी नहीं है. ठीक है बच्चे,
ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। तो आने वाले सेशंस में हम डेफिनेटली कुछ नए टॉपिक्स लेके आएंगे, कुछ प्रोसेस बेस्ड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ हम अजर्शन रीजन टाइप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ सेशन में हम सिर्फ मैच एंड कॉलम बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये आपका करना जरूरी है। तो आपको मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि पेपर कभी भी हो, आप अपनी प्रिपरेशन अपनी मेंटेन रखिए, ठीक है जी, अपना करते रहिए जितना आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। अपने में लेजीनेस मत लेके आना, जहां पे आप लेजीनेस डीमोटिवेटेड हो गए तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाता है, एक चांसेस कम हो जाते हैं JRF क्लियर करने के, ठीक है जी। तो ये जो आपको डेली बेसिस पे क्विज है वो विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है, तो डोंट मिस दैट क्विज। और अपने सजेशन एंड फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि मैम वी वांट दिस टॉपिक, डेफिनेटली आपके लिए वो टॉपिक लाया जाएगा। तो डोंट मिस द एनी सेशंस ऑफ दिस, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, कीप इट अप, अपना हार्डवर्क करते जाइएगा, बी मोटिवेटेड, हमेशा बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट।